नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। देश में जीएसटी लागू होने से पहले जब भी आप माल लेकर किसी स्टेट से आपको गुजरना होता था तो बॉर्डर पर पहले आप एक बहती बनवाते थे और फिर जब उस स्टेट को आप क्रॉस कर लेते थे माल लेकर तब आप उस बहती को बॉर्डर पर कैंसिल करवाते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें एक ट्रक ऑपरेटर को 8 साल बाद नोटिस मिला है यूपी के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस नोटिस में कहा गया है कि आपको 20 लाख रुपए का जुर्माना है क्योंकि 8 साल पहले आपने बहती कैंसिल नहीं करवाई थी। मैनू चलान का पेपर एक आया वा करीब 8 दिन पहला 5 तरीक न, उहदे विच मेरी यूपी की बहती दसी गई है कि पेंडिंग है, बहती फेल हुई है। उहदा मैनू जुर्माना आया वा करीब 20 लाख के लगभग, तो मैं तो बहुत परेशान है। मैनू इहदा कोई हल दसो की हल होना चाहिए वा। जी हाँ, ये सिर्फ अकेला एक केस नहीं था, ऐसे दर्जनों केस हैं जो पूरे देश में आजकल नोटिस मिल रहे हैं ऑपरेटर्स को। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है जो छोटे ऑपरेटर हैं, खास करके एक गाड़ी है, इवन 5 या 10 गाड़ी वाले जो ऑपरेटर हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। किसी भी ट्रक मालिक के पास 8 साल पुराना 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं होता है कि वो कहां से कहां तक कौन सा माल लेके गया था, बहती कटवाई थी नहीं कटवाई थी। इतना रिकॉर्ड आम छोटे ऑपरेटर के लिए रखना नामुमकिन है। इवन हमें पता चला है कि जिनके पास 200-400 गाड़ी के जो मालिक भी हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनको भी ये नोटिस मिले हैं और उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि जिसके पास 100-200 गाड़ी है उसके आप मान लीजिए 8 साल में कितने ट्रिप उस गाड़ियों ने उनकी करे होंगे, और इतना रिकॉर्ड रखना कितना मुश्किल है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस समस्या का हल लेकर आ रहे हैं आपके पास। पहले एपिसोड में हमने समस्या बताई थी तो कई ऑपरेटर्स ने हमें हमें गुजारिश की थी कि आप बताइए कि सर इसका करें क्या। तो हमने अपनी लीगल टीम के साथ, कुछ बड़ी कंपनियों के लीगल डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशन की इसके ऊपर, और एक सिंपल सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। हो सकता है इससे आपका कोई भला हो जाए, आपकी कोई हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिलता है, उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको अगर नोटिस मिलता है, ऐसा पुराना नोटिस जिसमें कहा गया हो कि आपने इतने साल पहले बहती कैंसिल नहीं करवाई, तो उसको आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं। बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं कि नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं या नोटिस रिसीव करने से डर रहे हैं, उसको भेज देते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से। आप नोटिस को रिसीव कीजिए, उसका करना क्या है हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, हम अपनी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उसमें हम बहती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप में, कानूनी रूप में इसका जो नाम है वो है TDF। इसका पूरा TDF 1 और TDF 2, जब आप एंटर करते हैं तब TDF 1 बनता है और जब आप क्रॉस कर जाते हैं स्टेट को तो TDF 2 बनता है। और TDF की फुल फॉर्म है ट्रांजिट डेक्लरेशन फॉर्म, कि आप उस स्टेट में से गुजर रहे हैं उसकी डेक्लरेशन कर रहे हैं। तो आगे जो मैं आपको बताऊंगा तो मैं बहती की जगह वर्ड TDF 1 TDF 2 यूज़ करूंगा। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई नोटिस किसी भी सरकार द्वारा मिले तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, वो आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने TDF 2 फॉर्म नहीं भरा है, यानी बहती कैंसिल नहीं करवाई है। अब जो बड़ी दिक्कत आ रही है कि ऑपरेटर्स को याद ही नहीं होता है कि कौन से ट्रिप की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी का माल था, कहां मैं जा रहा था, ये याद नहीं होता है। तो कैसे आप जुर्माना भरेंगे, कैसे जवाब देंगे इसका। तो जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है आप ये उसी से पूछिए, क्योंकि उसी का ये फ़र्ज बनता है, उसी को ये साबित करना है कि आपने कोई गलती की है। ठीक है, तो आप उनसे एक रिप्लाई बनाइए, लिखित रूप में उनको जवाब दीजिए, उनको कहिए कि मैं आपके इसका सर मैंने उस दिन वहाँ पर बहती क्यों नहीं कैंसिल करवाई या करवाई थी, मुझे ऐसा याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि कौन सी पार्टी का माल है और किस दिन की ये बात है। आप कृपया करके TDF 1 फॉर्म जो मैंने बॉर्डर पर भरा होगा उसकी कॉपी भेज दीजिए। ठीक है, आप उसकी कॉपी मंगवा लीजिए, उस कॉपी के अंदर सब लिखा होगा,
आप किस दिन कहां से लेकर क्या माल था, कौन सी पार्टी थी, कौन सी स्टेट में जा रहे थे और कब आपने बॉर्डर क्रॉस करना था, ये सारी जानकारी उस TDF 1 में होगी। तो सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की बनती है, उस डिपार्टमेंट की बनती है, उसके बाद आपको कुछ करना है। तो इसी से आपकी पूरी समस्या का 80-90% समाधान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो नोटिस हैं वो गलत भी आ रहे हैं। कई ऐसे ऑपरेटर्स को नोटिस आ गए जो उस स्टेट में कभी गए ही नहीं। तो सबसे पहले आप उन्हीं से मांगिए कि TDF 1 की कॉपी दीजिए। जब भी ये जवाब बनाएंगे उसकी दो कॉपी बनाइए, एक कॉपी उनको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, दूसरी कॉपी अपने पास रखिए, स्पीड पोस्ट की पर्ची अपने पास रखिए और 3-4 दिन बाद कंप्यूटर पे चेक कीजिए कि वो वहाँ पर डिलीवर हो गई कि नहीं। डिलीवर हो गई तो उसकी भी एक प्रिंटआउट निकाल के अपने पास सबूत के तौर पर रख लें। उसका मतलब यह है कानूनन रूप में कि आपने नोटिस का जवाब दे दिया, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने कहा कि 90% प्रॉब्लम आपकी इसी जवाब से सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको TDF 1 फॉर्म वो भेज देते हैं, वैसे उसकी जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर वो आ जाते हैं तब आपको फिर साबित करना होगा कि आपने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, आपने माल उस स्टेट से गुजर कर अगली स्टेट में ही दिया है और वो जो बहती नहीं कटी उसकी वजह कोई एजेंट हो सकता है, आपकी खुद की गलती हो सकती है, डिपार्टमेंट की खुद की गलती हो सकती है। तो आपको ये साबित करना होगा अब कि वो जो माल है वो उस स्टेट में नहीं, उस स्टेट को क्रॉस कर लिया गया था, मैंने अगली स्टेट में वो माल डिलीवर किया है जहां मुझे जाना था। तो उसके लिए अब 3-4 कागज़ हैं जो आप इकट्ठा कर सकते हैं, मेहनत तो करनी होगी। पहला ये है कि आप डिलीवरी का प्रूफ को चाहिए कि मैंने माल फलां व्यापारी को दूसरी स्टेट में, जिस स्टेट से नोटिस आए उसमें नहीं, जिस स्टेट में गया है उससे कोई डिलीवरी का प्रूफ कि हाँ मुझे माल मिल गया है, उसका आपको एक प्रूफ कोई ना कोई चाहिए। अगर हो सके तो माल भेजने वाला जो व्यापारी है या फिर जो माल रिसीव करने वाला व्यापारी था, किसी भी एक से आप लेटर हेड पे ये लिखवा लें कि हाँ जी इस तरीके को माल वहाँ से चला था और वहाँ पहुँच गया था, ये जो बीच वाली स्टेट थी वहाँ पर हमने ये माल डिलीवर इसकी रिसीविंग नहीं ली है या डिलीवर नहीं किया है, वहाँ से सिर्फ गुजरा था माल, ये आप एक लेटर हेड पे लिखवा लें तो इससे भी ये साबित हो जाएगा कि आपने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, सिर्फ ये गलती हुई है। एक और चीज़ की जा सकती है, एक फॉर्म सी होता है, फॉर्म सी खरीददार व्यापारी जो है वो बेचने वाले को भर के देता है, कानूनन एक फॉर्म होता है कि मैंने ये माल की डिलीवरी ली है, ये हर व्यापारी संभाल के रखता है। अगर हो सके तो आप ये माल भेजने वाले व्यापारी से या माल लेने वाले व्यापारी, दोनों के पास इसकी कॉपी होगी, उनसे ये फॉर्म सी ले सकते हैं और डिपार्टमेंट को दिखाकर सबूत दे सकते हैं। एक कई बार केस में क्या होता है कि एक ही व्यापारी के एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक माल आपने ट्रांसफ़र किया होता है, तो वो व्यापारी के पास फॉर्म एफ होता है, फॉर्म एफ, तो उसकी कॉपी भी साबित कर सकती है कि माल को गलत जगह डिलीवर नहीं किया गया है, क्रॉस करके किया है, तो वो भी साबित कर देगा। ये भी एक कानूनन फॉर्म होता है और हर व्यापारी के पास ये होता है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो जाएं, इस सारे हो जाएं या इसमें से एक दो फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएं, तो इनको भी आप अपने जवाब के रूप में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को और इसका एक सबूत रख सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं कि मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, मेरा कोई जुर्माना बनता नहीं है, ये उसका सबूत है कि मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, मैं तो अगली स्टेट में माल डिलीवर कर दिया है और इसलिए मैं आपका जुर्माना नहीं भर सकता, आप अपना नोटिस को कैंसिल कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सोल्यूशन का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई ऐसा नोटिस आया है तो आप फौरन रूप में जो हमने आपको सोल्यूशन बताया है इसी तरह से जवाब बनाकर उनको भेजिए, और अगर आपको कोई ऐसा नोटिस नहीं भी आया है तब भी आप इस वीडियो को संभाल कर रखें, लाइक करके रखें, शेयर करें, ताकि अगर आपको कोई ऐसा फ्यूचर में नोटिस आए तो आपको क्या करना है ये आपको पता हो। तो हमेशा की तरह ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमारी ये कोशिश बनी रहती है कि हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी देते रहें जिससे आपके कारोबार में आपको कोई लाभ हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य ऑपरेटर्स के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।